राजधानी रांची को डराने की बड़ी साजिश को पुलिस ने नाकाम कर दिया है। सुखदेव नगर पुलिस ने मधुकम इलाके में एक बम बरामद किया। बताया जा रहा है कि अपराधी पिंटू वर्मा किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में था, लेकिन पुलिस ने उसके नापाक मंसूबे पर पानी फेर दिया। राजधानी रांची में बम मिलने से हड़कंप। मधुकम के घर के बाहर मिला बम। अपराधी पिंटू वर्मा की बड़ी साजिश नाकाम। राजधानी रांची में झारखंड जगुआर और सुखदेव नगर थाना पुलिस ने बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया। पुलिस ने मधुकम इलाके में एक घर के बाहर से एक सूत्री बम को बरामद किया, जिसके बाद झारखंड जगुआर का बम निरोधक दस्ता ने मधुकम मैदान में उस बम को डिफ्यूज कर दिया। बताया जा रहा है कि शातिर अपराधी पिंटू वर्मा किसी बड़ी घटना को अंजाम देने के फिराक में था, लेकिन पुलिस ने समय रहते उसे नाकाम कर दिया। उस घर पे जो पिंटू वर्मा करके प्रमुख रहने वाले हैं, उनके ससुराल है, ये पूर्व में भी जेल गए हुए हैं, उनके यहाँ हम लोग छापेमारी की जांच की, तो एक घर में के बाहर में बाउंड्री के पास में एक सुतली बम मिला, और उनसे हम लोग पूछताछ की तो उनके द्वारा बताया गया कि उनके द्वारा ही रखा गया है। अभी हम लोग उसको बाद में बीडी टीम के द्वारा बुला के बगल के मैदान में उसको नष्ट कर दिया गया है। अब हम लोग उस पर अनुसंधान कर रहे हैं। आरोपी पिंटू वर्मा का आपराधिक इतिहास रहा है, उसका संबंध सन्नी सिंह गिरोह के साथ है। पिंटू वर्मा पहले भी जेल जा चुका है। पुलिस को सूचना मिली थी कि पिंटू वर्मा एक बार फिर कोई साजिश रच रहा है, इससे लेकर मधुकम में एक घर में बम और विस्फोटक होने की गुप्त सूचना मिली थी। इसी सूचना पर कोतवाली डीएसपी और सुखदेव नगर पुलिस ने मधुकम इलाके में छापेमारी की। इस दौरान पिंटू वर्मा के ससुराल के बाहर एक सुतली बम बरामद किया गया। हालांकि बम को प्लांट करने का मकसद क्या था, फिलहाल इसका खुलासा नहीं हो सका है। न्यूज 11 भारत के लिए रांची से इमरान की रिपोर्ट। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज 11 भारत, सच है तो दिखेगा।